Well, it was a quick fall of wickets. However, we managed to see the full 20 overs being played out here in this first innings. And I've got the showman here with me from the Larkana Challengers, who took two wickets for his team. It is Shahnavaz Dahani. Um, me and you, I spoke to you earlier. And you said that your aim was to get the Karachi Gazis team out for 160. And you said that exactly what you predicted happened. जी आ, विकेट इतना तेज़ नहीं था तो स्लो विकेट था तो कैप्टन का यही था मैसेज कि बॉलिंग वेरिएशन सी करनी है तो हमें सक्सेस मिली कंडीशंस की थोड़ी सी बात करें तो आपने ये भी कहा था कि आप लोग यही चाह रहे थे कि आप लोग पहले बॉलिंग करें तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताए कि कंडीशन बॉलिंग के लिए अभी ज़्यादा फेवरेबल थी हाँ जी बिल्कुल बॉल इतना आ, अच्छा बल्ले पे नहीं आ रहा था क्योंकि लास्ट मैच भी अगर हम देखें तो 180 एटी हमने आसानी से चेस कर लिया था तो अभी यही है कि 160 के अंदर उनको ऑल आउट कर दिया है और हमारा यही है कि कम से कम ओवर में इसको चेस करें ताकि हमारा रन रेट अच्छा हो अच्छा तो कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी या प्लान है जब आप लोग अब चेस करने आएंगे सेकंड इनिंग्स में तो वो क्या किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे कि आप लोग जीत सकेंगे मैच जी बिल्कुल देखें तो हमारा कैप्टन असद भाई माशाल्लाह अच्छे फॉर्म में है और उसके साथ जीशान मालिक है वो भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है तो यही होगा कि वो हमें सर्कल में अच्छा स्टार्ट दें ताकि हम आगे आ, हम जल्दी से जल्दी इसको चेस करें ताकि हम नेट रन नेट रन नेट अच्छा हो ताकि हम टेबल में टॉप अप हो जाए अभी तो आपके अंदर काफ़ी आप, आप लोग की पूरी जितने भी टीम हैं सब में काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि आप लोगों ने उनको काफ़ी लो स्कोर पर आउट किया है जी बिल्कुल बीच में अगर देखें तो इफ्तार भाई बहुत अच्छा खेल रहे थे तो वहाँ पे ऐसे लग रहा था कि 181 190 पे स्कोर जाएगा लेकिन उसके बाद जिस तरह इफ्तिखार भाई का विकेट गिरा उसके बाद हमने उनको स्क्वीज रखा स्कोर को और उनकी विकेट लेते गए तो स्कोर 160 पे अभी ये चेसेबल है आई थिंक वी आर कॉन्फिडेंट गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द मैच एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टज